शिव गणेश और ज्ञान में आज हम उस तत्व को लेकर आते हैं जिसको कहते हैं हम प्राथमिकता। वॉट इज योर प्रायोरिटी? आपके जीवन में यू नो इट, टाइम टू टाइम योर रोल चेंज। फर्स्ट टाइम यू आर ओनली एज अ डॉटर, देन यू बिकम सिस्टर, देन यू बिकम फ्रेंड, आफ्टर सम टाइम यू बिकम वाइफ, देन यू बिकम मदर, देन यू बिकम ग्रांड मदर। आई एम नॉट गोइंग ऑन द ग्रांड मदर, जस्ट आई एम सेइंग यू कि आपके जो रोल है ना टाइम टाइम पर, यह भी आपको समय समय पर इनकी प्रायोरिटीज भी बदलती रहती है। एक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आज इन बातों को, मतलब पहले ही बोल चुका हूं लेकिन आज मुझे जरूरी बोलना है। सो आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में चेंज होती रहती है। पहले पुत्री के रूप में माँ का जीवन ही पूरा हो गया, और कुछ समय बाद, समय के साथ माँ आप बन जाती है तो पुत्री का जीवन ही आपके सामने। तो यह जो परिवर्तन है, और इसमें एक कैरेक्टर जो आता है मेन, जैसे पपिया जी है, आंचल जी है, जया जी है, कोई और है, ये सब रोल अलग अलग, जो जो पर्सनल रिलेशन के रोल लेके, लेकिन इसके साथ एक और रोल आता है, वो आता है आपका प्रोफेशनल रोल। मैं प्रोफेशनल, जैसे दोज आर हाउस वाइफ, आई एम नॉट आस्किंग देम, बट दोज आर इन्वॉल्व इन द दोज आर इन्वॉल्व इन द प्रोफेशनल लाइफ, तो दे हैव सम देयर ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी के पीछे दे आर अनेबल टू मेक ए बैलेंस। तो आपने बैलेंस तो बनाया नहीं, आपने बनाया, लेकिन कभी ना कभी स्ट्रेस, जो तनाव है आपका, वो यहीं से आता है। अब अपने आपसे बात कर लीजिए, देखिए तनाव, बाकी पीड़ा, दुख, तबियत का पीड़ा, ये तनाव जो स्ट्रेस आता है, ये प्रॉपर बैलेंसिंग नॉट इन द रिलेशन एंड नॉट कीपिंग द प्रायोरिटीज। इसको हम बड़े खुले शब्दों में भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि अभी जिस रूप में हो उस रूप में तुम पूरे रम जाओ। आप एक लिस्टनर के रूप में हो, योर होल अटेंशन ऑन माय वर्ड, नॉट दैट आपकी शारीरिक उपस्थिति तो है, लेकिन मुझे आपकी मानसिक उपस्थिति नहीं लगती, बौद्धिक उपस्थिति नहीं लगती। कितनी बार मैं नोट करता हूं कि चलो ठीक है यार, फिजिकल प्रेजेंस से बैठे हैं, ब्लेसिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो आप देखिए जहां पर हो वह रोल में पूरा अपफिट हो। हम सामान्यता क्या करते हैं, पुराने रोल्स को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। अभी आपकी माँ भी जागृत हो जाती है, अभी आपका वाइफ एलिमेंट भी जागृत हो जाता है। आज खाना नहीं बनाया, खाने में इनकी भिंडी की सब्जी बनी है, इनको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, क्या हम डांटेंगे चिल्लाएंगे, दिस इज द। बट इफ यू वॉन्ट टू जस्टिफाई विथ योर लाइफ, अगर अगर जीवन से अपने को न्याय करना है, तो जिस पल में जो रोल में हो उस पर ध्यान। अभी आप एक शिष्य के रूप में सुन रहे, बस भूल जाइए अपनी पीड़ा वगैरह, प्लीज गॉड अलाउ। हाँ, आपको हेल्थ कंसर्न जो है, अदर फिजिकल पेन, कोई दांत में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, आप वो दर्द आपको परेशान कर सकता है, लेकिन दर्द के अलावा वो कोई चीज दूसरी परेशान कर रही है, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू मेक ए प्रॉपर बैलेंस। तो जब भी आप है ना, कभी ये सोचो ना, तकलीफ में हो, पीड़ा में, तनाव, कभी सोचो अपने आप को, अभी हो, मैं इस वक्त क्या हूं, अगर बीमार हो तो इस वक्त मैं मरीज हूं, मरीज हूं तो मेरी टोटल प्रायोरिटी मेरी दवाई दारू इलाज पे है, बजाय आगे की सोच के, छोड़ो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ,
ना कोई दुनियादारी, कोई नहीं रुक रही, जब तक समय समय आएगा तब तक आएगा। इवन सम टाइम यू नो देयर इज अ वन मूवी डुप्लीकेट्स, तो आप लोग क्या करते हैं, लोग मूवी वाले, इनको मालूम होता है एंड टाइम पे अगर बाय चांस कोई हीरो नहीं आया तो देख कीप द रेडी वन डुप्लीकेट आर्टिस्ट, कि वह रह करके उससे उसके लिए तो 50 जन आए हुए हैं पिक्चर की शूट करने, लेकिन एक डुप्लीकेट रेडी रखते हैं कि अगर बाय चांस उसके साथ कोई तबीयत खराब हो गई, कभी उसके साथ कोई चक्कर खा के गिर पड़ा तो क्या करेंगे, तो वन एक डुप्लीकेट रेडी रखते हैं। किस सब ये समझने वाली बात है। अब मैं आपसे कहूं, हम सोचे कि मैं पिक्चर में नहीं गया शूट करना, क्या होगा, दे अंडरस्टैंड कि मेरी अभी प्रायोरिटी क्या है, मेरी हेल्थ की प्रायोरिटी। अब मैं मेरी हेल्थ की, दर्द की, मेडिसिन की चिंता अपने को हील करने के बजाय मैं कहीं और ध्यान दूंगा, नहीं, दैट्स रॉन्ग। यू टोटल फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर बाय चांस पपिया खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते सोच रही है अरे यार क्या होगा, वहां जाना होगा, कैसे करेंगे, शी इज नॉट डूइंग जस्टिस। खाना बनाना मतलब पूरे भाव के साथ वो खाना बच्चों के पेट में जाएगा, बना भाव से बनाओ, पूरा ध्यान खाने में, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एक प्रेजेंट मोमेंट रहता है वो आ जाता है। ये बात मेरा कहने का मतलब ये, आप प्रेजेंट मोमेंट पा ही जाओगे आप, हाँ या ना। अगर दर्शक बन रहे हो आप, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन और आप बैठे खिड़की विंडो के बाहर, तो आप किस लिए बैठे हो, आप दृश्य अच्छे निकल जाते हैं और आप सोचते रहते हो, आप पास वाली बोलती है क्यों, वो देखो लॉयन देखा तुमने, कहाँ गया, कहाँ है, अपसेट में। इट मीन्स व्हेन यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंट इट्स कॉल्ड अपसेट माइंड। एक लय होना चाहिए शरीर में, मन में, श्वास में और बुद्धि में, एक लय बन गई, अरे मैं कहाँ हूं, खाना खा रहा हूं, केवल खाने पे ध्यान देना है मुझको, बस आई हैव टेकन इन होल अटेंशन ऑन माय फूड, बस यही गलती हम करते हैं। ला कितनी ज्ञान की बात कर रहे, ला कितना ज्ञान कर ले, कहा कितना ध्यान कर ले, जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपनी प्रायोरिटी वाला रोल डिसाइड नहीं करोगे, कुछ चिंता करने से कुछ नहीं होना है, ना कोई दुनिया रुक रही है, ना कुछ नहीं हो रहा, भारती चिंता कर रही, अरे ये होगा उसका क्या होगा, आलोक का, अमर चिंता कर रहा, कंचन चिंता कर रही, अरे मेरा बेटा, मत करो, अपने शरीर पे फोकस कर, पहले अपनी चिंता करो, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। Got it my point? तो आप जिस रोल में हो, जब भी हो ना, वो उसके बारे में सोचता, बाकी नहीं सोचता, और कोई करे भी, यार प्लीज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक, आई विल टॉक लेटर, ये मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर। आप कभी भी जिंदगी में अगर नहीं है तो आप वो मत करो, फोन बंद करो, फोन बंद कर दो, वेन यू आर अनेबल टू गिव द आंसर यू क्लोज द फोन, कोई दुनिया नहीं जाएगी लूटेगी कि आपने फोन बंद कर दिया तो वो तमाशा हो जाए, कुछ नहीं होगा, एक बार बंद करके देख लो, आप एक दिन बंद करके देख लो, दूसरी बार पूछो कितने लोग बोलते हैं कल तेरा फोन बंद था क्या, जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, आपके परिवार के अलावा, मैंने अमर को फोन लगाया, अमर का फोन बंद आया, चलो ठीक है बिजी होगा, मैं भूल गया, अमर की बेटिया ने फोन लगाया अमर को और अमर ने उठाया फोन बनाया, वो पूछ सकते हैं पापा फोन बनता क्या, आपका पापा फोन क्यों बनता, वो चिंता से पूछेंगे, मैं नॉर्मल फोन लगा भाई चलो ठीक है यार बंदे बाद में लगेंगे, तो डोंट थिंक कि एवरीबॉडी वांट टू टॉक विद योर प्रायोरिटी, यू जस्ट फिक्स योर प्रायोरिटी ऑन, अपनी प्राथमिकता तय करो, आपकी प्राथमिकता है, आप है तो सब कुछ है, आप है तो कुछ नहीं, क्लियर। तो
आज से मेरा सबक है आपको कि आप जिस मोड में रहो उस वक्त में रहो। बस ये अप्लाई होती है दोज वुमन्स दोज लिव सेपरेट अमित ब्लेसिंग, जो अकेले रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारती, भारती अकेले रहती है कोई नहीं, पर भी अपने आप को टाइम मैनेज करके रखना, टाइम करके ना, वो इसका काम है। मतलब कुछ समय ऐसा आता है, ऐसा अलोक वालों के बाद आती जाती रहती। तो फिर मैं सोचते सोचते मैं समीकरण आपके सबके घर के बना रहा हूँ, जिन जिन के मालूम है, जो टच में, जैसे मैं अमित टच में, बाकी सब सब मेरा दिमाग में चल रहा है। तो आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचिए, ये चीज कि आप के बगैर केवल आपका शरीर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, सिर्फ आपके परिवार वालों को, बाकी बाहरी वालों को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। परिवार वालों को भी 10-12 दिन तक का, बाकी कोई दिन तक क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और अच्छी चलेगी दुनिया। तो रिमेम्बर, जिस वक्त हो उस वक्त माहौल में रहो। हाँ, बात बदलने का हो रहा है कि यार अभी शरीर के दर्द पे ध्यान है तो बात और कर लो। अगर आप किसी, जैसे रिंकू है, रिंकू का कोई तकलीफ, उस बारे में जो तकलीफ, चलिए उसके बारे में डिस्कस करोगे ना आप, तो वो चीज और पीड़ा देगी, क्योंकि हमारा है इफ यू रिजिस्ट इट परसिस्ट। वह उसको चीज का तीसरे में बात करो तो ऑटोमेटिकली आपका पेन 50% रिड्यूस हो जाएगा या तनाव 50% रिड्यूस हो जाएगा। आप गॉट इट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अमित फोन लगाता है रिंकू को, यार मैं तो बड़ा परेशान हो गया यार, मैं तो, मेरा कंधा दुख रहा है बहुत जोर से, मैं तो परेशान हूं, बहुत कंधा दुख रहा है। अब रिंकू क्या करेगी, आप कंधे के दर्द में इन्वॉल्व। अगर रिंकू से बात कर, बेटा क्या बात है, बच्चे लोग, आपका ध्यान दर से चले जाएगा, आपका ध्यान, ध्यान ही तो दर्द का पैदा करता है ना। आपके दर्द तो रहता है शरीर में, कितना दर्द होता है मालूम, आपके बाहर कानों का कितनी आवाज आ रही है आपको मालूम है? नहीं मालूम। अगर आपका वो पर्दा कंट्रोल नहीं करे तो यू कैन नॉट लिसन द सो साउंड। हमारा इतना साउंड है, हमारे इसको कंट्रोल कर रखा है वो पर्दे के रूप में। तो लाइफ में ध्यान रखिएगा, जिस चीज हो उससे अलग बात करो। हाँ, सब्जेक्ट टू, अगर कोई व्यक्ति है या कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है, उससे उस बारे में बात करो, बराबर वही करेगा। पर उसके बाद अपन जिससे नहीं बात, डोंट टॉक, मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ है, मेरा कंधे का दर्द है, मैं करूंगा। कीप योर प्रैक्टिस फिक्स, इफ यू आर मरीज डोंट टॉक टू मनी, टॉक बिसाइड द मनी। अगर मरीज पर से हटोगे तो बात करोगे तो मरीज पर दूर होगा। अभी मेरे घर का भी बंदा हॉस्पिटलाइज है, मेरा बड़े भाई का बच्चा, वो है ठीक है, अभी कल चलेगा, हम देख लिया कर लिया। अब फिर मैंने देख लिया, अब अस्पताल में है क्या है, देखने वाले तो अलीज बोल रहा। मेरे बड़े भाई के बच्चे दूसरे हैं, वो भोपाल से, वो भी आ गया, बहन भी आ गई, देख रहे ठीक है, ठीक है। इफ दे रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम मी कि पापा काका वी नीड अ डिसीजन, ठीक है बात कर बेटा, क्या बोल रहा, क्या डॉक्टर ही परेशी सब कुछ चल रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को एंगेज रखना चाहते हो, अपने आप में या आउटर वर्ल्ड में। जितना अपने आप में एंगेज रखोगे अपने आप को, उतना जमाना आपसे एंगेज होने की कोशिश करेगा। जितना आप अपने आप को छोड़कर बाहर की दुनिया में एंगेज करोगे, बाहर की दुनिया उतना डिस्कार्ड करेगी आपको। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं आपको, राइट right? तो जो रोल में है आप उस रोल में रहे, नंबर वन। और कुछ दिनों की जीवन है यार, कुछ समय का जीवन है, कितना देर कितना जीलोगे यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये शरीर छोड़ के चल दोगे कोई 10-12 दिन। जब तक हो तब तक जियो शान से, भले दर्द हो कुछ भी हो, ये छोटे मोटे दर्द क्या है, अपन को तो गिव अप कर देना है, इतने बड़े छोटे क्या, छोटे मोटे दर्द, और अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। यस आई कैन अंडरस्टैंड, समटाइम
यावर पे कोई भी हो, फिजिकल हो, मटेरियलेशन पे हो, इतना हावी हो जाता है कि हमसे बड़ा होता है। आपसे बड़ा नहीं हो इसीलिए तो हम इकट्ठे होते हैं। एक ने प्रश्न किया, मैं तो बोल गुरु जी आप हीलर हो, आप ठीक कर देते हो क्या? मैं कहने में ठीक नहीं कर पाता भैया। बोले फिर क्या, जो भी तेरी तकलीफ है, अगर बाचा तू इस हाथ से 5 किलो वजन उठा सकता है, और इसी हाथ से मैं वो तेरे को 8 किलो का वजन दे दिया, क्या करेगा तू? बोले हाथ दुखेगा मेरा। मैं तेरे हाथ को मेरे 15 किलो वजन उठाने लायक बना दे तो फिर दर्द नहीं होगा। बस दर्द का क्या, दर्द खत्म होता है, दर्द तो वही रहता है, दर्द की सहन शक्ति बढ़ाने का काम हीलिंग करती है। उस दर्द के ऊपर आप जीने लगे, व्यर्थ है तो। सब आप लोग होते हैं, सब लोग अपनी तकलीफ परेशानियों के ऊपर जीने के लिए एक सीख सीखने आते हैं। एक बार ध्यान रखना, वापस रेक्टिफाई करूंगा, आपकी तकलीफ परेशानियां जो भी हैं वो जब तक समय तक है वो समय तक रहेगी। कोई माई का लाल उसको ठीक नहीं कर सकता। जब समय आएगा, अक्टूबर के बाद ही नवंबर महीना आएगा, ये मत सोचो कि कोई पूजा पाठ करो तो फरवरी के बाद ही नवंबर आ जाएगा। इट टेक ओन टाइम। पर फरवरी से नवंबर तक के बीच का समय कैसे गुजारता, यह आपको अध्यात्म सिखाता है। आप समझे, ये अध्यात्म हीलिंग ये सिखाता है। लेकिन हम लोगों ने उसको भ्रम में पाल लिया। अभी आज फिर देख रहा था, वो कथावाचक बोल रहा था, आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, पिटता मत करो, 21 दिन 3 बेल पत्र लेके वो मार खाओ, 21 दिन में कर्जा दूर हो जाएगा। उनने 21 दिन में तो उलझा दिया लोगों को, 21 दिन का तो काम नहीं दिया उन्होंने। अब 21 दिन में काम में लगा दिया तो 5-10% का तो हो ही जाता होगा बेचारों का, अपनी मेहनत करके इधर उधर फिर, और उनके कारण कर्जा दूर हो गया। अब वो जिनका नहीं हुआ उस पर ध्यान किसी का नहीं। हमारे 15 जने हैं, 15 जनों में से 2 जनों के, 1 जने काम हो गया, उस 14 के काम नहीं हुए, वो 1 15 और पकड़ लाएगा, बाकी 14 आए जाए। मेरा ध्यान उन 14 पे रहता है जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया बात खत्म, तुम जानो मेरा काम, मेरा कोई रोल नहीं था उसमें। आप मानते हो, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं आप मानते हो मेरा रोल था, मेरा कह रहा हूं मेरा कोई रोल नहीं था। मैं एक तरीके से सब लोगों को हील करता हूं, एक नजर से सबको देखता हूं। जिस दिन इन नजरों के अंदर अंतर्भेद पैदा हो जाएगा, उस दिन मैं इस सीट पर बैठने लायक नहीं होऊंगा। कोई सेशन में आए न आए, काम करे ना करे, इग्नोर करे, आपको कोई राइट नहीं बनता कि मेरे किसी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के बारे में आप कोई कंप्लेंट करो। रिमेंबर, सब की सांस वो चला रहा है जो आपकी भी चला रहा है। क्लियर? अगर आप ये सोच रहे हो कि अमित अमर की शिकायत करके यह सोचा है कि मुझे मालूम नहीं है, तो बहुत बड़ी भूल है अमित की। अमर क्या है, अमर क्या कर सकता है, मुझे पक्का मालूम है। लेकिन अमर ठीक करना मेरा काम है, अमर को इग्नोर करना मेरा काम नहीं है। जो भी आएगा खुला मन से, तो मैं आप लोगों को एक लॉजिक देके समझा रहा हूं, इसमें कोई किसी को अंदर में किसी को व्यक्ति नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी होती है कि उन चीजों से कई लोग विनम करके उन चीजों को इस ज्ञान के माध्यम दूर करते हैं। आज मेरी चर्चा हो रही थी हमारे पुराने डिवाइन एस्ट्रोलिंग मेंबर से, और बोले वो ये सब, फिर मैंने कहा भाई आप क्या बात करो, बोले वो तो रेगुलर है, आप क्या आता है? हाँ रेगुलर आता है। मैंने कहा रेगुलर आता है, लेकिन उसमें चेंज कितना आ गया आपको मालूम है? बोला मेरे बात नहीं, बोले लॉट ऑफ चेंज। अब वो क्या रेगुलर जा रहे हो, लेकिन आप में क्या चेंज है, आपको क्या
ऐसा लगता है कि क्या भाई जबरन मैं कुछ अवार्ड दे दूंगा या आपका नाम आ जाएगा पेपर में कि कृष्णा गुरु जी का सेशन ज्वाइन किया? आपको भी अच्छा लगता है ना, और अच्छा क्यों लगता है कि आपको भी कुछ संतोष मिलते हैं, कुछ बातें मिलती है सुनने की। तो जीवन में बहुत मुश्किल से एक तीन चीजें, मनुष्य जन्म का मिलना, भले हाथ कटा हो पैर कटा हो कुछ भी हो, मनुष्य योनि में जन्म मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। उसके बाद कुछ ज्ञान की बातें सुनना उससे बड़ा पुण्य है, और उस सुनी गई बातों को अपने जीवन में अमल करना उससे बड़ा पुण्य है। और उसके बाद चौथा वो रेट करता हूं कि उस ज्ञान के माध्यम से किसी और तक ज्ञान पहुंचाना उतना। सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ, कुछ नहीं है बस पूरा ध्यान कुछ नहीं पर है। एंड समटाइम आई रिस्पेक्ट, आई गॉट ए कॉल टुडे कि वो बात बोले अपने बारे में करी, फिर घूम फिर के पता लगा, फिर घुमा फिरा के बात देखी, बोले मेरे भाई की बच्ची है, यूएस से कॉल था, बोले मेरे भाई की बच्ची है, वो 11 साल की है, और उसका कुछ एक्सीडेंट में गर्दन से नीचे का पूरा पोर्शन रह गया। मैंने कहा बेटा तूने इसीलिए मुझे फोन लगाया, सच बोल? बोले हाँ, वो हीलिंग से ठीक हो जाएगा इसी लगा ना, अब तूने फालतू बातें मुझसे क्यों करी कि मैं ये थी हूं, ने मेरे को ये है, ने मेरे को ये है, डायरेक्ट कम ऑन द पॉइंट ना। गुरु जी मैं सोच रही थी आपको थोड़ा मॉर्निंग का ऐसा कुछ डायरेक्ट बात करेगा, मेरा नंबर हेल्थ संबंधी बात करेगी तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा। तो बोला अपनी तेरी मम्मी को उनकी भाभी को बोल दे वो कॉल करे मुझको। मैं तो मेरा कर्म करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं ठीक करता, ना मैं ठीक करूंगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने ठीक करी, और नहीं हो रहा तो भी मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। लोग विश्वास से मुझे फोन लगा रहे, मैं हील बराबर करूंगा। वो लोग और हीलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ा, हाथ जोड़ता हूँ वापस ना लगा, ये लगेगा ये हुआ। आज की तारीख में मेरे पास लोग सालों से फोन लगा रहे हैं, अब मैंने थोड़ा डिटेचमेंट चालू करा है कि मैं इनको, कि मेरी हीलिंग इनको डिसेबल नहीं कर दे, कि आदत बड़ी कुछ भी तबियत अच्छी तो भी हीलिंग लेना, आई मीन व्हाट द हेल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है तबियत प्रॉब्लम होता भी हीलिंग, अपने बच्चों को कमजोर क्यों बनाती हैं आप? आज ये चंद बातें थी जो कि हमारे सीधे के सीधे हमारे जीवन से जुड़ी थी, आपके जीवन से जुड़े, तो एक बात तो आज तो कान खोल के सुन लो, गांठ में बांध के रख लो कि जिस वक्त हो उस ढूंढ। तरह किसी चीज नहीं सोचना, और अगर बाय चांस आप दूसरी चीज सोच रहे हो इसका मतलब वो चीज इतनी बड़ी नहीं है। गहरी बात जाना, आप अगर वो चीज को बारे में बहुत परेशान हो लेकिन उसके अलावा तो मतलब वो चीज इतनी बड़ी नहीं है, अगर है तो पूरा ध्यान उस पर रखो, आप खुद हील करने में सक्षम अपने आप को करो। मैं हूं आपके पास 24/7, पहला प्रयास आपको करना है। आपके लिए तो मेरा पहला प्रयास नहीं करूंगा मैं, आपके लिए पहला प्रयास। कल एक जना आया, अमित आया था कल इंदौर घर वाले, क्या ऐसा शर्मा लड़की जैसा, तो अमित आया तो शायद इनके ताऊ जी की लड़की को लेके आया था, वो ताऊ जी का भाई भाई था इनका, कहीं भाई के साथ ही आया, उनकी भाभी मिसेस आई थी तो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दर्द वर्द की थी। मैं क्या अमित हीलिंग तो ऐसा शर्मा गया ये गुरु जी, तो किसे हीलिंग दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या होता है तत्काल खुद करने लगता, भले उनमें एक्सेप्टेंस आया नहीं है, आदेश मैंने दिया ना चालू करो, मुझसे ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें। अरे गुरु जी मैं कैसे हील कर सकता हूँ, ये गिल्टी कॉन्शियस हटाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप में से कृष्णा गुरु जी से ज्यादा पावरफुल इंसान को हीलर निकले, हाँ या ना? वो हमें कैसा, यस कल हुआ था कमेट, कल हुआ था, इसके भाव थे। अरे गुरु जी आप आए तो आप, मैंने बोला
अमित हील करो मतलब अमित को हील करना है। अमित को बोला मैंने तो मैं पीछे हूं। कभी भी आज आप लोगों को खुला बोल रहा हूं, कभी भी कोई चीज करे ऐसा लगे कोई दर्द है खुद फील करो। अगर ऐसा लग रहा है किसी को अपनी पत्नी को दर्द है कि ना बेटा आंखें बंद कर, अब जब थर्ड आईज पर अपना अंगूठा रखा चार उंगली पीछे रखी, जिसको भी भगवान मानते हो जिसको अपना इष्ट मानते हो उसका देखना, आपको मेरा चेहरा भी रखने की जरूरत नहीं, आपका इष्ट में इतना पावरफुल है अगर मन करे तो। काम होगा अपने पे विश्वास रखो, आप एक हीलर हैं, आप एक बॉर्न हीलर हैं, इसका एहसास मैं आपको कब तक कराता रहूंगा। वो बात अलग है मान सम्मान में बड़ा हो, उम्र में आप मान सम्मान करते हैं मेरे ज्ञान का, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप सब हीलर हैं और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। अभी मैं कुछ डिक्लेयर करूंगा नाम वहां पर जाके ग्लोबल हीलिंग डे में, कुछ न्यू नेम डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के ग्रुप में आएंगे और मैंने सोचा है था अभी डीएचएन ग्रुप में कुछ जैसे भी लोग जुड़ गए हैं जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के भी से नहीं जानते हैं, पर भी ग्रुप में है, लेकिन पर भी मैं उनको तो नए जो मैंने लिस्ट बना ली है किन किन लोगों को डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग बुक करूंगा, जिनको एक ऊपर अपग्रेड करूंगा, अपग्रेड भी बताऊंगा कैसा होता है वो जब उनको समय मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से मेरा प्लान है कि 3 दिन पूरा समय दूंगा मैं, कहां पर इंडिया में ही, जैसे देहरादून में प्लान कर रहा हूं मैं और कहीं भी, जैसे पहला तो प्रायोरिटी देहरादून ही रहेगी, वहां पर जो घूमो 3 दिन पूरा समय दूंगा, सुबह शाम करो बाकी घूमने का शाम को निकल जाओ, वह समझ पड़ेगा तुमको कि क्या ग्लोबल एजेंडा होता है और क्या है, क्योंकि बेसिकली हम भी आपके साथ ऑनलाइन इतना जस्टिस नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। तो अभी से मैं आपको डेट दे रहा हूं, यू हैव टू बुक द टिकट, देहरादून के अभी से प्लानिंग कर लो, करो और नहीं आना हो तो बात अलग है, लेकिन अभी से प्लान कर लो फिट। यस इंडिया में तो आओगे ना, है ना, अरे कितना है, और ये हाथ ऊंचा करके मेहमान बन के नहीं आना है, काम करना है आपने वहां की, जैसे अभी बाहर के लोग आएंगे जय आएगी हाथ नहीं लगा देना, जया को कुछ नहीं करना, जया बेटो प्रतिभा आएगी कुछ मत करो, कुछ नहीं करना आपने कर लिया, हमारे हटे उतरना है कि नहीं। यस अंजू की चाली बजा रही, अंजू के देहरादून हो रहा था, वाह भाई वाह वाह अंजू, नरे जी देख लिया, मानव मानव मेरा बेटा भले आता नहीं है लेकिन एक पिल्लर है वो, थैंक यू पाप भाई। सेवा क्या होती है, और जितने विदेशी लोग हैं एक को काम नहीं करने दूंगा, तुम बैठो आराम करो, तुम घूमो गाड़ी खड़ी है जहां जाना वहां घूम के आओ, है ना। अभी तो सबको परेशान करके रखा है हमारे ग्रुप ने, विदेशों बेचारों को, जया को परेशान करके रखा है, कृष्ण जी को परेशान करके रखा है, प्रतिभा को परेशान करके रखा है, वंदना को परेशान करके रखा है, वो सेशन में नहीं आ रही लेकिन अब तक इसमें लगे होंगे। नहीं गुरु जी, इट्स अ जॉय। जया को तो करना ही है, इवन इफ इट्स इन देहरादून, आई विल हैव टू डू माय वर्क बिहाइंड द कर्टन। एंजॉय किया, अभी इंडियन लोगों को भी एंजॉय करने दो, आप जो अपन किसी से कारण से अमेरिका नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब आप नेक्स्ट ईयर आप देखना, और वो ऐसा जलसा होगा नेक्स्ट ईयर वाला कि मैं ये चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अमेरिका वगैरह जाके हमारे पास लिमिटेशन हो जाता है भाई क्या करना क्या नहीं करना, हर व्यक्ति के पास मंडे टू फ्राइडे बेचारे भी जी रहते हैं, आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, हम तो क्या फालतू लोग हैं हिंदुस्तान के तो लोग, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा रिट्रीट मिलेगा आपको कि आप वह 3 दिन के 72 घंटे लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। अभी भी आपको मेरे साथ मिलता हूँ ठीक, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा उसमें, सुबह से शाम तक का पूरा चौकों वगैरह सब, और आपको भी क्लासेस लेनी है, एक बार अंजू को बोलूंगा अंजू चलो 15 मिनट तुम्हें इस सब्जेक्ट पे बोलना है, अंजू को बोलना पड़ेगा, नरेश जी थोड़ा योगा कराना है चलो कैसे कराओगे, आदत डालूंगा मैं सिखाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस नरेश जी की, नरेश जी आपको ऐसे सिखाना है कि नहीं, कम से कम ये तो सुकून मिले कि मैं बैठ जाऊं और मम्मी ताके कहा आ रहा है ही ना, आके कुछ करवा रही, रिंकू आके कुछ करवा रही,
कितनी खुशी है, जैसे घर में बाप बैठ जाता ना और बच्चे कमा कमा के लाते हैं और बैठ के खाता है, वो देखना चाहता हूँ। रेडी? अनिल कुमार इज अ वेरी गुड मोटिवेटर, मौका नहीं मिलता कभी उनके टॉक रखवाएंगे, इज वेरी गुड मोटिवेटर। शांत रहते हैं, बात नहीं करते। हर व्यक्ति में, हर फ्लावर में एक अलग अलग खुशबू है, हर फ्लावर में एक अलग ही खुशबू है, सब फ्लावर में अलग अलग खुशबू है ना। और आप भी उस फ्लावर का परिचय, अभी हम तो छोड़ो यूएसए में एक ही दिन में उलझ गए, अब वो क्या सैटरडे संडे, अब मेरा क्या है अमेरिका में सैटरडे संडे, बाकी कुछ नहीं कर सकता, लाइफ इतनी हट्टी। यहाँ पर जब छुट्टी लेकर आएंगे तो विदेशियों ने जो हमारी सेवा करी ना, वो सेवा हम यहाँ पे इनकी करके बताएंगे, तब लगेगा वाह यार। और हमारी एनजीओ तो देखो तैयार है, नरेंद्र जी तैयार, मानव तैयार, और आभा जी तैयार, वो टीम तैयार, उधार बैठी हुई पलटकर कर ली। अब तो वेन्यू देखना चालू कर दो अंजू जी, अंजू जी अभी से बोलो, यू स्टार्ट टू सीइंग द वेन्यू, वेयर वी ओके कैन ओके गेट इट, वी वेयर वी कैन गेट इट 30 to 40 होटल रूम्स अलोंग विद द गुड ओके एरिया, एक थोड़ा दूर हो, रिसॉर्ट हो, सिटी का पार्ट नहीं हो, वही रहेंगे सब। ठीक है अंजू जी कहाँ गई है ना, और जहां पर ओके हाँ एक्टिविटीज होते हैं वो प्लान करो, फिर वहां से शेड्यूल बनाने का काम अपना, मानव को इन्वॉल्व करेंगे, फिर अपन मानव आके सब करेगा, और अमित भी चंडीगढ़ से पहुंच ही जाएंगे, अमित भी पहुंचेगा पूना से, मैं कोर टीम बनाऊंगा अलग अलग। चलो अभी तो आगे की प्लानिंग, ये तो निपटा नहीं, अपन अगले की प्लानिंग करने बैठ गए, अभी तो इस वाले की टेंशन हो रही है, जाएगी तबियत ठीक नहीं, और माय गॉड गुरु जी सब होगा अच्छा बढ़िया। जाओ आप अपनी छोटी मोटी चीजों पर ऊपर आओ, दर्द हो रहा है चल ओढ़ो, कितना होता चलो, मेरा गुरु जी अमित बोलता गुरु जी मेरा कंधा और दुख रहा है, और दुख चल कितना दुखता है, और दुख हाँ और दुख, क्या बोला ना दुखना बंद हो जाएगा, चैलेंज करता हूं मैं ये आपको, दर्द से बड़ा आज दुख और कितना दुख था, और चल दो हाँ क्या ऊ करा बेचारी तो पत्नी भी सोती, क्या हो गया शोल्डर दुख रहा है, दबाऊ क्या, वो बेचारी को दिन भर थकी मान दे उसको परेशान कर, मेरी समस्या है मेरा दर्द है मैं लड़ूंगा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक है आज बहुत बात कर ली, क्योंकि हो सकता है अपन एक दो दिन बाद फिर अपने को लंबी बात नहीं करने को मिले, क्योंकि हम 8 तारीख को निकल जाएंगे शायद कल, आज 4 तारीख हो गई, कल परसों सैटरडे संडे शायद लास्ट होगा शायद ना, मंडे को भी हम कोशिश मंडे को भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शाम सोमवार अगर तैयारी में लगे रहेंगे, मंडे ट्यूजडे मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट है ओके। और एक बात ध्यान रखिए, एक बैग अलग है मेरे पास जिसमें आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे, लेकिन सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं ओके, डोंट I want to add one thing here. Guruji has worked so hard. He gives the credit to all of us. He's worked so hard finding all the phone numbers, flight options, details, tickets, booking, following up. And पिछले बार when they came, one whole suitcase of things they got from India, like either हमारे लिए banner making for the temple or for Global Healing Day or the memorabilia for the guests, जो like traditionally our with the tricolor scarf. With Vasudeva Kutumbakam inscribed in it, पूरे गुरुजी, I am appalled. मैं खुद बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी, you are doing so much of sadhana, to conserve that energy and pass it on, disseminate. इसके साथ ये सब आप कैसे कर रहे हैं? And he is doing श्रावण सोमवार with आरती माँ व्रत, मॉर्निंग इवनिंग रुद्र पाठ पढ़ना और हमारे लिए सेशंस भी. He is like exemplary, no chance. How much ever we say about Guruji, it's very minuscule, but अपना जाए होल्ड कर रहे हैं, अपना अपना फंदी बनाइए, चलिए मेक योर ओन टेम्पल, जाए तो बोलना चालू करी, तारीफ करेगी नहीं गुरुजी, यू आर डूइंग सो मच, आई हैव टू मेंशन, राइट? नॉट फॉर मी, कोई नहीं कर रहा तू कर रही है मेरे साथ में, बस ये सोच नो डिफरेंस, दोनों हाथ है सिर्फ, एवरीबॉडी आप लोगों की प्रेजेंस, आप लोगों की ऊर्जा मेरे को करने मजबूर करती, बस थैंक यू वेरी मच, आई एक्सेप्ट योर अप्रिसिएशन, क्या डोंट से सिंसियरली यार, ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा, आई एक्सेप्ट यू, आई ऑलवेज सेड एक्सेप्ट एप्रिसिएट, एप्रिसिएट
एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिशिएट करना इज अ डिवाइन क्वालिटी। अपना मंदिर बनाया, दोनों हाथ इस रखे, फील सम फोर्स, फुल स्क्रीन कर दे जय जी, मुझको ये कट कर दे नॉलेज चैनल को, फिर प्रेजेंटेशन का अलग ले लिया।